अगर मैं यहाँ पे देखिए कितने सारे पैड होंगे आपस में कनेक्टेड होंगे, सो अगर कुछ पैड एक दो पैड मिस भी होते हैं तो आप उनको बिंदास पूरा लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ सिंगल पैड है, अगर कोई सिंगल पैड है ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है, सो हर एक के पॉजिटिव वोल्टेज के लिए एक नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, इसलिए ग्राउंड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बिट मैप में है उसमें कलर्स कैसे ये लोग दिखाते हैं, सो दोस्तों जैसे कि ब्लू कलर है, ब्लू कलर उस कलर को बेसिकली एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, मतलब वो किसी भी दूसरे पैड से सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आप हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। एक छोटा सा वीडियो और आप लोगों के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों बहुत सारे जो स्ट्रगल जिसको हम बोल सकते हैं ना, शुरुआती बिगनर जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बिगनिंग जो होते हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग में आ रहे हैं, वो लोग आजकल वीडियो देखते हैं हम लोगों के, और जो प्रोफेशनल वीडियो देखने के बाद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर एनसी क्या होते हैं, ग्राउंड कैसे है। अभी इन लोगों को लगता है सर अगर ग्राउंड भी रहना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो ये सारी चीज़ बताने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। हालाँकि बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, पर जानकारी बहुत बड़ी होगी, और ये छोटी छोटी जानकारी से मिलकर बहुत सारी जानकारी बनती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कभी भी अगर आपके पैड अगर आप आईसी निकालते समय उखड़ गए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैड जो होते हैं हो सकता है वो एनसी हो, या हो सकता है वो ग्राउंड हो, या हो सकता है वो बहुत सारे पैडों में से एक पैड हो जो जॉइंट हो आपस में, सो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर पैड को माइक्रो जंपर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ बहुत सारे ऐसे ग्राउंड भी होते हैं जिनको माइक्रो जंपर या जिनको बनाने की बहुत ज़रूरत होती है, अगर वो सेंस की लाइन हो। अगर ग्राउंड सेंस की लाइन के साथ होगा तो उसको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, और बहुत सारे सेंस की लाइन होती हैं जो हमारे फ़ोनों में चलती हैं जिसमें ग्राउंड के साथ में उसको जोड़ते हैं। यही वजह होती है कि अगर BPH के साथ में कैपेसिटर का सेंस लाइन भी अगर ओपन हो जाए तो बक वोल्टेज बनना बंद हो जाते हैं। यही कारण होता है कि बैटरी का भी ग्राउंड माइनस की लाइन अगर आपके पावर के अंदर नहीं जाएगी तो भी आपका बैटरी सेंस करना बंद कर देगा, और ऐसी बहुत सारी ग्राउंड की सेंस ऐसी लाइन है जहाँ पर ग्राउंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। बट दोस्तों क्योंकि मैं इतना डीप लेवल पे वीडियो को नहीं ले जाना चाहता, मैं चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं को समझ में आएगी जो सर्किट में घुस चुके हैं और जो कहीं ना कहीं सीख कर आए हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं यूट्यूब देख कर। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल उनके लिए रहे जो बिल्कुल प्राइमरी बेस पे अभी BBAT पर खड़े हैं, जिनको VPH भी नहीं पता और जो सीखना चाहते हैं कि सर मुझे बताइए NC क्या होता है और ग्राउंड क्या होता है। सो दोस्तों अगर आपने बोर्नियो परचेस किया है तो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बोर्नियो जैसा तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, सबसे अपडेट है। और अगर उसके अलावा अगर आप दूसरा परचेस करना चाहते हैं तो आप प्रेग्मा फिक्स भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेग्मा फिक्स में भी आपको सेम बोर्नियो जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट बोर्नियो प्रेग्मा फिक्स की एक ही बात कहूँगा कि बोर्नियो थोड़ा सा अपडेटेड है और प्रेग्मा फिक्स थोड़ा सा अपडेट देने में बोर्नियो से एक कदम पीछे है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए ही वीडियो चालू किया हूँ और ये सीरीज चालू किया हूँ ताकि वैसे लोग भी हमसे जुड़ें जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक BGA दिखाई दे रहा है, ये BGA 221 है, और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस BGA 221 ही की बात मैं करूँगा। आप देखेंगे जहाँ पर ब्लू कलर दिया हो, पहले मैं कलर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो बिटमैप में है उसमें कलर्स कैसे ये लोग दिखाते हैं। सो दोस्तों जैसे कि ब्लू कलर है, ब्लू कलर उस कलर को बेसिकली एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, मतलब वो किसी भी दूसरे पैड से या सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आप चाहें तो इस लाइन को छोड़ सकते हैं और अगर ये लाइन बनी हुई है तो भी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा जो ये ग्रे कलर है दोस्तों, जिसमें ये ग्रे कलर दिया हुआ है, आप इस लाइन पर बेसिकली ground ही दिया जाता है, ground GND, तो ग्राउंड इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सारे निकाल दो एक छोड़ दो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक पॉजिटिव जैसे दोस्तों सेल होता है ना, आप ये सोचिए कि आप मोबाइल आप अपने रिमोट में सिर्फ प्लस लगा दो उसका ग्राउंड नहीं लगाओ तो क्या आपका रिमोट चल जाएगा, नहीं,
वैसे ही हर एक के प्लस के लिए हर एक का ग्राउंड चाहिए। जैसे आपकी कोई आईसी है जिसपे ईएन सिग्नल आ रहा है, तो उस ईएन सिग्नल के 1.8 के लिए भी एक अलग ग्राउंड होगा। ऐसा नहीं है कि वो ईएन सिग्नल का 1.8 का ग्राउंड वो कोई बीबैट के ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है। सो हर एक के पॉजिटिव वोल्टेज के लिए एक नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, इसलिए ग्राउंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप देखिए यहाँ पर, और ये जो येल्लो कलर की लाइन जो आपको दिखाई दे रही है बोर्डियों में, ये लाइन आपकी सप्लाई की लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों लाइन का होना, ये तीनों लाइन ही दिखाता है, तीनों लाइन के अलावा ऐसा कोई और दूसरा लाइन यहाँ पर दिखाता नहीं है। अब हम बात करेंगे तो एनसी तो क्लिक होते ही नहीं है और ग्राउंड भी क्लिक नहीं होते हैं। यहाँ पर क्लिक होते हैं तो केवल सप्लाई लाइन क्लिक होती है। सो आप देखिए, अगर यहाँ पर एक बार टच हुआ, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पर एक बार आपको टच हुआ, जैसे इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये देखिए, जैसे हम अगर मान लीजिए हम आईसी निकाल रहे हैं और ये वाला पैड निकल गया, तो हम इसको टच करके ये देख सकते हैं कि ये पैड कहाँ से कनेक्टेड है। सो आप देखिए ये पैड इतने सारे कंपोनेंट से बाहर, इतने सारे पैडों के अंदर। सो आप यहाँ पर कहीं से भी एक जम्पर ले सकते हैं, बट अगर ये इतने सारे पैडों से कनेक्टेड है तो आप अपने टीचर से उस समय कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये पैड कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अभी ये बोलूँगा कि इसको हटा, इसको छोड़ दो, बाकी सारे पैडों को जम्पर मार, इसको इस पैड को छोड़ दो और इग्नोर करके आईसी लगा दो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सो अगर आपने, क्योंकि और मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई भी अगर जो दुकान वाला है वो अपने साथ एक गुरु को ज़रूर लेके चले, तभी उसकी दुकान बहुत ज़्यादा सक्सेस करेगी। क्योंकि दोस्तों आप नोटिस नहीं करते हैं ये बात को, पर आपके सामने वाला जो दुकान वाला है, जो बहुत अच्छा कमा रहा है, आपके फ़ोन बना रहा है, दुनिया भर के फ़ोन बना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी को गुरु बना चुका है। और गलती ये कर रहा है, और गलती आप ये कर रहे हैं कि आप किसी को गुरु नहीं बनाना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि आप अपनी दम पे सीखना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो आप अपने बच्चों को उसकी दम पे पढ़ने छोड़ दो, तो क्या वो पढ़ लेगा? नहीं। क्योंकि दोस्तों गुरु जो आपको उसका एक कंट्रीब्यूशन देगा अपनी लाइफ का, जो उसने पढ़ा है, जो उसने सीखा है और जो भी उसने समझा है, तो आप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप वो चीज़ों को समझ जाएंगे, ताकि आप उस अपने पुराने दौर से छोड़ के नए दौर में आ जाएंगे, ताकि आप एक अच्छे रिपेयरिंग करने वाले या एक अच्छे टेक्निकल एक टेक्नीशियन बन पाए। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाएँ। तो अगर आप यहाँ से भी यहाँ पर जंपर मार सकते हैं, अगर आपका टीचर कहता है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो लाइन है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर रखें ये A1 B1 A2 B2, और ये देखें तो यहाँ पर नोज कट पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये A1 A2 A3, और ये A4 की लाइन है। सो दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन उखड़ेगी तो आपका जो आईसी है वो कनेक्ट नहीं होगा और ऑटो पोर्ट बनेगा। तो ये देखिए आप ये बाहर से, यहाँ से, कहीं से भी इसको जंपर मार सकते हैं, पर क्योंकि अंदर बहुत सारी लाइनों से कनेक्टेड है, तो आप अंदर से भी इस आईसी को जंपर मार सकते हैं, मतलब पैडों के साथ आप चाहें तो यहाँ से मार सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा गुरु नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये पैड में जंपर, अगर इतने सारे पैड हैं, तो आप एक बार आप इसको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर चेक कीजिएगा कि एक पैड को आप बिना कुछ जंपर मारे और आईसी को बिठा के देखिए कि वो लग रही है कि नहीं लग रहा है, सेट चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि नहीं हो रहा है तो उसको फिर आपको जंपर मारना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके बहुत सारे जो पैड होते हैं वो सीधा सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत सारे जो पैड देखे, बहुत सारे कितने सारे तो पैड देखे, ये देखिए ये कितने सारे पैड यहाँ पर आप देखिए कि ये इंटरकनेक्टेड हैं, और यहाँ पर ये देखिए कितने सारे पैड इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं पावर सप्लाई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक पावर सप्लाई है और ये रैम को दी जाने वाली पावर सप्लाई होती है, जो कि 1.2 या 1.1 वोल्टेज आते हैं, और ये रैम की सप्लाई जनरली शॉर्ट या नहीं मिलती है रैम को, तो उस वजह से आपका फ़ोन फ्लैश भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि फ़ोन, आप बोलते हैं कि सर फ़ोन फ्लैश भी हो गया है, ओके है, CPU भी उठाया MMC प्रोग्राम भी कर दिया और पावर भी चेंज कर दिया, क्योंकि हमें रैम के वोल्टेज हम देखना हमेशा भूल जाते हैं। सो दोस्तों आप कभी भी अगर ये देखें CPU के अंदर भी, ये देखें कि देखिए कितने सारे आपको ऐसे पैड मिलेंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। अगर मैं यहाँ पर देखिए कितने सारे पैड होंगे आपस में कनेक्टेड होंगे, सो अगर कुछ पैड, एक दो पैड मिस भी होते हैं, तो आप उनको बिंदास पूरा लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ सिंगल पैड है, अगर कोई सिंगल पैड है तो उसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर वो पैड नहीं बना,
तो बेसिकली पर्टिकुलर जो डेडिकेट लाइन है वो काम करना बंद कर देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैड नहीं बना दोस्तों, तो ये वाला पैड कनेक्टेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम की के साथ, तो वॉल्यूम की यहाँ पर काम करना बंद कर देगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की हो कि एनसीओ ग्राउंड क्या होते हैं और बोर्नियो में हम किस तरह से एनसीओ ग्राउंड को पहचान सकते हैं। ये वीडियो था बिल्कुल फ्रेशर के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ना, और अच्छे से कमेंट कर दो दोस्तों और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?